हम में से कई लोगों को इलेक्शन के बेसिक चीज़ों की, जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए, उनकी पूरी जानकारी नहीं है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे जिस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस। पार्लियामेंट अपने इन दो हाउसेज की मदद से लॉ यानी कानून बनाता है, और लॉज पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, एंड करंट लॉज एंड प्रोविजन के हिसाब से इसमें 245 मेंबर्स हैं। एंड वहीं लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, एंड करंटली इसमें 545 सीट्स हैं। तो ये सारे मेंबर्स संसद भवन यानी द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि दिल्ली में है, उसमें मीटिंग करते हैं एंड लॉज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ये मीटिंग्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है, जिनके पास इस मीटिंग को बुलाने और रद्द करने के राइट्स होते हैं। तो ये हमने समझा कि बेसिकली पार्लियामेंट होती क्या है, बट हमारा मेन फोकस है कि ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है इनका चुनाव कैसे होता है। तो इस टॉपिक से हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो बेसिकली थ्री टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, एंड इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। इस पर्पस के लिए जैसा मैंने बताया कि करंटली 545 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स एंजेलो इंडियन कम्युनिटी को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, तो बची सिर्फ 543 सीट्स जिनके लिए वोटिंग होती है। तो इन सीट्स को हर एक स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड करके नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं, एंड हर एक स्टेट की लोकसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल 2014 जनरल इलेक्शन में दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स थी, एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीट्स थी, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सारी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अब इन सब सीट्स के अकॉर्डिंग हर एक एरिया से उस सीट के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो कि अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स जीत जाती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मतलब 543 सीट्स में से एक पार्टी को मेजॉरिटी यानी बहुमत से जीतने के लिए 50% से ज़्यादा सीट्स चाहिए होती हैं, जो कि होती है 272। फॉर एग्जांपल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा में 282 सीट्स जीती थी, एंड एनडीए से मिलकर टोटल 363 सीट्स, जिससे उनकी पार्टी जीत गई थी। उसके बाद जो विनिंग पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये लोकसभा मेंबर्स जो मेजॉरिटी में हैं वो वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शंस अप्रैल एंड मई 2019 में होंगे। अब बात करते हैं अपर हाउस की यानी राज्यसभा की। राज्यसभा का इलेक्शन सिस्टम लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, जिसमें एमएलएज वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज इलेक्ट करते हैं, और बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कंडीशन यह है कि इन 12 लोगों को आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एंड एक्ट्रेस रेखा को 2012 में इसके अंडर नॉमिनेट किया गया था। हर एक स्टेट की राज्यसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं। एक स्टेट कितने राज्यसभा मेंबर्स भेज सकती है ये उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। हर राज्यसभा मेंबर्स 6 साल तक के कार्यकाल में रहता है, और इसमें 1/3 सीट्स के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए एमएलएज यानी विधानसभा के मेंबर्स एसटीवी सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ये एसटीवी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है विधानसभा इलेक्शंस यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा इलेक्शंस मतलब एक स्टेट में विधानसभा के मेंबर्स यानी एमएलएज को जनता वोटिंग करके इलेक्ट करती है। लोकसभा की तरह हर एक स्टेट की विधानसभा सीट्स भी फिक्स्ड होती हैं। अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरियाज में इन एमएलएज की सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसके इलेक्शंस भी लोकसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शंस हुए थे। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर हर एक स्टेट के 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर विधानसभा इलेक्शंस होते रहते हैं। तो सिंपली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत जाती है उनकी पार्टी मेजोरिटी यानी बहुमत से जीत जाती है और उस स्टेट में उनकी सरकार बन जाती है, और मेजोरिटी में इलेक्टेड एमएलएज अपने लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूज करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट नहीं जीते तो क्या होगा। इसका एक एग्जाम्पल है 2013 में
दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस, जिसमें टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें इलेक्शन के बाद बड़ी पार्टीज ने, बीजेपी ने 31 सीट्स जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 28 एंड कांग्रेस ने 8 सीट्स। पर जैसा यहाँ पे मेजोरिटी से जीतने के लिए 36 सीट्स चाहिए, तो इस वजह से बीजेपी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली प्रेफरेंस होती है कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस यानी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी पर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाए। फिर आम आदमी पार्टी को सेकंड प्रेफरेंस मिली तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके अपनी सरकार बना ली। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 50% से ज्यादा कोई पार्टी सीट्स ना जीते तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सरकार बना सकती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हो जाती हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि वोट किसको दें। 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और इस इलेक्शन में 13 करोड़ न्यू वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। 2014 इलेक्शंस में इवन आफ्टर सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज होने के बावजूद हर 3 में से 2 रजिस्टर्ड वोटर्स ने ही वोट किया था। हम सभी लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश प्रेम ऐसी चीज है, अगर मैं कहूँ हर नागरिक में है तो वो गलत नहीं होगा। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक, इट्स नॉट ओनली अवर राइट, इट्स अवर ड्यूटी टू वोट, बिकॉज हमारे वोट से ही हमारे देश के कोने कोने से अच्छे लोग चुन चुन के आएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा उठता है कि किसे वोट दें, किस बेसिस पे वोट दें। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जैसे हमने अभी समझा कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इससे हमें यह समझ में आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से लिखा हुआ है। हमारा काम सिर्फ अपने एरिया से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज से, उनके बारे में सोचना है, उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैरियर, एस्पिरेशन, मोटिव्स, पर्सनैलिटी, क्रेडिबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखना है। बिकॉज अगर हमें अपने एरिया में काम करवाना है तो अल्टीमेटली हमारे एरिया का MP ही उस चीज़ को एड्रेस करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरीके से हम अपने अपने एरिया से बेस्ट पर्सन को चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में मोस्टली बेटर लोग पहुंचेंगे और बेस्ट पॉसिबल सरकार बनाएंगे। तो आखिर में वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे प्रॉमिस करता हुआ जाऊंगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मैं अपनी इंडियन सिटीजन होने की ड्यूटी जरूर निभाऊंगा, वोट देने जरूर जाऊंगा एंड आप भी जरूर जाएंगे। बिकॉज ये सिर्फ हमारा हक ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि वोट दें और अपने एरिया से एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट विच विल लीड टू अ बेटर इंडिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो उनके साथ भी इसको जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज शेयर करें।